नमस्कार जय जगन्नाथ जय माता दी मु पंकजिनी प्लस टू द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान समस्त छात्र छात्री को ए यूट्यूब चैनल प्लस टू एजुकेशन एस्पायरेंट्स से स्वागत और अभिनंदन जनाऊँ पिला माने आज आम पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस टेस्ट 3 करिबा जो प्रैक्टिस टेस्ट गुड़िक आम करूँ रेगुलर हिसाब से तार सेट 3 आज आम करिबा ये सेट गुड़िक करिबा द्वारा आम एमसीक्यू रे खास करी पारंगम हासिल करिबा ओके एमसीक्यू 50 मार्क्स आसीबो सेति पई आमको रेगुलर प्रैक्टिस आवश्यक एमसीक्यू पई रेगुलर प्रैक्टिस करिबा चलो ताहले क विभाग रो सब एमसीक्यू गुड़ी को आम देखिबा राजनीति विज्ञान रे टोटल 50 मार्क्स रो एमसीक्यू आसीबो कोनसे शून्य स्थान पूरण गुड़ी को आसीबो नाही देखिनबा एक नंबर प्रश्न रो प्रथम प्रश्नटी शासन व्यवस्था मध्ये केउ गोटी को सर्वोत्तम बोली विचार करा जाए कहा को गणतंत्र को सर्वोत्तम बोली विचार करा जाए निम्नलिखित मध्यरु केउटे गणतंत्र रो एक माइल खुंट नुहे गणतंत्र गोटे वैशिष्ट्य गोटे गुण कौन नुहे समानता न्याय अधिकार अस्पृश्यता पिलामन अस्पृश्यता नुह भारत रे वोटर मानक सर्वनिम्न वयस केते वयस 18 वर्ष होची सर्वनिम्न वयस गोटे नागरिक बा गोटे पिलाटिए तुम्हें माने 18 वर्ष नहले वोट देई पारिबो नाही ओके निम्नलिखित मध्यरु केउटी भारत रे निरक्षरतार कुफल नुहे कौन निरक्षरतार कुफल कौन नुहे नारीवाद ओके नारीवाद निरक्षरतार कुफल नुह निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक आंचलिक दल अटे कोउटी एक आंचलिक दल अटे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस AIADMK कौन हम डी AIADMK गोटे आंचलिक दल केउटीर आंचलिक दल तुम्हें कमेंट लिखिके जनइब भारत रे नक्सलाइट आंदोलनर पुरोधा किए थिले चारु मजुमदार नक्सलाइट आंदोलनर पुरोधा थिले नेक्स्ट गणतंत्रर सफलता पाई केउटीर सर्वनिम्न आवश्यकता रहिछि कहार सर्वनिम्न आवश्यकता रहिछि कौन हम अर्थ शिक्षा स्वास्थ्य सेवा दुर्नीति उत्पाटन शिक्षार सर्वनिम्न आवश्यकता रहिछि एच जानु एन जापू क्यों राष्ट्र राजनीतिक दल अटे अच्छा पिला माने ई जानु ओ जापू रो फुल फॉर्म जानी छ ना तार एब्रिविएशन कोन ZANU जानु रो अर्थ होची बता एब्रिविएशन फुल फॉर्म होची जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन एंड जापू रो एब्रिविएशन बा फुल फॉर्म होची जिम्बाब्वे अफ्रीकन पीपल्स यूनियन जे जानिछ से माने सहजरे एहार उत्तर करि परिबे जे एजन जानु ओ जापू होची केउ राष्ट्र राजनीतिक दल एहा होची सी ऑप्शन जिम्बाब्वे र नेक्स्ट निम्नलिखित मध्यरु केउटी जातीयतावाद र लक्षण नुहे केउटी जातीयतावाद र लक्षण नुहे आत्मिक विचार राष्ट्रीय ऐक्य जातीय उत्पादन विश्व संकट पिला माने विश्व संकट जातीयतावाद र लक्षण नुहे आउ जो तीनोटी रहिला ताहा जातीयतावाद गोटे गोटे लक्षण ओके ताले यार उत्तर होचे विश्व संकट नेक्स्ट को जीपा भारत रे एक जातीय दल र मान्यता लाभ करबा को हेले गोटे दल को अनन्य केतोटी लोकसभा आसन रे विजयी हेबा को पडिथाय केतोटी लोकसभा आसन रे विजयी हेबा को पडिथाय चारोटी लोकसभा आसन रे विजयी हेबा को पडिथाय ओके केंद्र तालिका रे केतोटी विषय स्थानित होईछि केंद्र तालिका रे केतोटी विषय स्थानित होईछि 1990 विषय स्थानित होईछि निम्नक्त मध्यरु
କେଉଁଟି ଭାରତର ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତମ୍ଭ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତମ୍ଭ ନୁହେଁ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ଜାତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ, ପ୍ରଶାସନ ଆୟୋଗ। ପ୍ରଶାସନ ଆୟୋଗ ପିଲେ ଭାରତର ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତମ୍ଭ ନୁହଁ। ଏମ୍ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କେଉଁ ବର୍ଷଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? କଟକ କେବେଠାରୁ ମହାନଗର ନିଗମ ହେଲା, କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? 1994 କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ଜାତି ଗଠନର ଏକ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଅଟେ? ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁର୍ନୀତି, ନିରକ୍ଷରତା। ଦେଖ, ତିନୋଟି ନୁହଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁର୍ନୀତି, ନିରକ୍ଷରତା ଏହା ଜାତି ଗଠନର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ନୁହଁ। ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜାତି ଗଠନର ଏକ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ। ଓକେ, ଜାତି ଗଠନର କି କି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଅଛି ସବୁ କିଛି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ତାସ୍କେଣ୍ଡ ରାଜିନାମା କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ତାସ୍କେଣ୍ଡ ରାଜିନାମା 10th January 1966 ତାହା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିଏ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ? ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନସାଧାରଣ। ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛି ପିଲେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ କେଉଁଥିରେ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଆଇନ ଶାସନ, ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଥା, ଜାତି ପ୍ରଥା। କ'ଣ? ଆଇନ ଶାସନ ସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଓକେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିମ୍ନ କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ? ସଂଖ୍ୟାଲଘୁତ୍ୱ, ଅସମାନତା, ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା, ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ହଁ ନା? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ କାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ? କାହାଦ୍ୱାରା? ଏଇଟା ଜନମତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଇନର ଶାସନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ସମାନତା, ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଆଇନର ଶାସନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ। ଓକେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଧିକାର ଜନସାଧାରଣ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ମତଦାନ କରନ୍ତି, ହଁ କରନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏହା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସ୍ୱାଧୀନ ମତବ୍ୟକ୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ଅଧିକାର ଜନସାଧାରଣ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟର? ଏହା ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅଟେ। କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା। କେ ସି ହୁଏର କହିଥିଲେ ଭାରତ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆକାଶବାଣୀକୁ କେଉଁ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି? କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ, ଯୁଗ୍ମ, ଅବଶିଷ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଆକାଶବାଣୀକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବିବାହ ଓ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବିଷୟକୁ କେଉଁ ତାଲିକାରେ ରଖାଯାଇଛି? ଏହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ ବିଭାଗର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 25 MCQ ଅଛି, ଚାଲ ତାହାକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବଶିଷ୍ଟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଅଧିକାର କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ସଂସଦ, ବିଧାନସଭା। କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ସଂସଦକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ସେଠାରେ ସବୁ ବିଚାର ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟସଭାର 2/3 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ
विषय रे संसद आईन प्रणयन करी पारिबे क्यों धारा अनुसार धारा 249 सी ऑप्शन होची करेक्ट धारा 249 होची यार सठिक उत्तर ओके या गोटे इम्पोर्टेंट ए जो आर्टिकल गुड़ाक तुम्हें भल भाव देखि थ पॉलिटिकल साइंस गोटे भास्ट सब्जेक्ट बहुत गुट आर्टिकल अच्छी ओके नेक्स्ट प्रश्न को जी जरूरी परिस्थिति बेले क्यों धारा बल संसद राज्य तालिकाभुक्त विषय उपर आईन प्रणयन करें जरूरी कालीन परिस्थिति समय रे क्यों धारा यूज करा जाए धारा 250 आर्टिकल 250 नेक्स्ट संविधान क्यों धारा अनुसार राज्य गुड़िक उपरे केंद्र सरकार नियंत्रण करी पारिबे ओके केंद्र सरकार राज्य सरकार उपरे संविधान क्यों धारा अनुसार राज्य गुड़िक उपरे केंद्र सरकार नियंत्रण करी पारिबे धारा 256 अनुसार ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर ओके ई यही सेट देख बहुत गुड़े धारा धारा विषय अच्छी ये आर्टिकल विषय अच्छी या भल भाव देख बारंबार रिपीट कर संविधान 258 धारा अनुसार केन्द्र क्यों विषय राज्य सरकार मानी न्यस्त करें जातीय राजपथ प्रतिरक्षा रेलवाई आंतर्जातिक चुक्ति नामा कौन जातीय राजपथ 258 आर्टिकल अनुसार केन्द्र जातीय राजपथ अंतर्गत विषय को राज्य सरकार मानी न्यस्त करें ओके परवर्ती प्रश्न को जीवा संविधान क्यों धारा अनुसार राज्य और केन्द्र सरकार को द्वारा प्रस्तुत नथिपत्र समस्त द्वारा स्वीकृत हेब क्यों धारा अनुसार धारा 261 अनुसार धारा 261 अनुसार यह स्वीकृति लाभ कर अंतराज्य नदीजल बंटन सह संविधान क्यों धारा संप्रक्त अंतराज्य नदीजल बंटन ओके धारा 262 धारा 262 ओके निम्नलिखित मध्य क्योंटी आंचलिक बाद पाई दायी नुहे कौन आंचलिक बात पर दायी नुहे धर्मनिरपेक्षता आंचलिक बात पर दायी नुहे नेक्स्ट प्रश्न तमिल आरासु काजाघम क्यों राज्यर एक संगठन जहाँ विच्छिन्नता 1961 मसीह आंदोलन करा ओडिशा आंध्र प्रदेश केरल मद्रास कौन हम मद्रास ओके तमिल आरासु काजाघम मद्रास राज्यर एक संगठन ओके नेक्स्ट क्यों मसीह बॉम्बे राज्यर विभाजन घटी महाराष्ट्र और गुजरात नामक दुईट राज्य गठित होता 1960 ओके भारत वर्ण व्यवस्थार ब्राह्मणवाद सृष्टि होली किए दृढ़ मत प्रदान करछंती भारत रे वर्ण व्यवस्थार ब्राह्मणवाद सृष्टि होइछि बोली किए दृढ़ मत प्रदान करछंती यूरोपीय पर्यवेक्षक माने आंसर होची यूरोपीय पर्यवेक्षक माने ए जो वर्ण विभिन्नता एई मत देछंती जे ब्राह्मण कौन वर्ण व्यवस्थार ब्राह्मणवाद सृष्टि होइछि ओके निम्नोक्त मध्य क्यों तत्वटी सांप्रदायिकतार परिपंथी क्योंटी क्यों तत्वटी सांप्रदायिकतार परिपंथी स्वतंत्र राज्य पाहिया दाबी स्वायत्तता दाबी अर्थनैतिक अनग्रसरता भाषागत विवाद कौन बेहार सठिक आंसर अर्थनैतिक अनग्रसरता यही जो तत्वटी अच्छी सांप्रदायिकतार परि निम्नोक्त मध्य क्योंटी जातीयतावाद उपादान नुहे कौन जातीयतावाद गोटे उपादान नुह पौराणिक गाथा जातीयतावाद गोटे उपादान नुह और जो
वंशगत ऐक्य समान भाषा धर्मगत ऐक्य ये सब अच्छे जातीयतावाद गोटे गोटे उपादान। 1991 मसीहार ओडिशार के सांप्रदायिक दंगा देखा जाइथिला क्यों सहर रे कटक बलांगीर भद्रक जाजपुर कटक कटक ठारे 1991 मसीहार सांप्रदायिक दंगा देखा जाइथिला। ओके परवर्ती प्रश्न आंचलिकतावादर चरम रूप कौन विच्छिन्नतावाद भाषावाद जातिवाद अधिक स्वाधीनता। आंचलिकतावादर चरम रूप होची विच्छिन्नतावाद। ओके आंचलिकतावादर अर्थ कौन पिले यार अर्थ होची आंचलिक बा गोष्ठी प्रेम भारत जो अर्थनैतिक शोषण राजनैतिक आधिपत्य जो आंचलिकतावाद सृष्टि होता है। ओके या तो जानिथिबो। नेक्स्ट प्रश्न सांप्रदायिकता होची कौन आर्थिक मनोभाव पछुआ मनोभाव जाति मनोभाव ना संकीर्ण धर्म मनोभाव। पिलामने जातीय संहति क्षेत्र में सांप्रदायिकतावाद एक प्रमुख आह्वान अटे। ओके तो यह डी ऑप्शन होची यार करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा आतंकवाद एक की प्रकार कार्य अटे लक्ष्य हासिल शांति स्थापन प्रतिशोधमूलक अर्थ प्राप्ति प्रतिशोधमूलक आतंकवाद एक प्रतिशोधमूलक कार्य अटे। आर सांप्रदायिक परिस्थिति रे जाति शब्द परिवर्ते क्यों शब्द व्यवहार करा जाउछि जाति शब्द परिवर्ते सांप्रतिक परिस्थिति रे जाति शब्द परिवर्ते क्यों शब्द व्यवहार करा जाउछि क्यों शब्द जाति राष्ट्र होची यार सटीक उत्तर। ओके निम्नलिखित मध्यरु केउटी भारतर जातीयतावाद विकास रो एक कारण नुहे कौन प्रशासनिक एकता इंग्राजी भाषार प्रभाव गांधीजीक अहिंसा नीति आर्थिक शोषण कौन गांधीजीक अहिंसा नीति भारत जातीयतावाद विकास रो एक कारण नुह आउ जो अन्य तीनोटी अछि ताहा जातीयतावाद रो विकास कारण अटे। ओके निम्नलिखित मध्यरु केउटी गोटे वैदेशिक नीतिर कारक नुहे कारक बा उपादान कौन नुह भौगोलिक स्थिति जातीय चरित्र गणमाध्यमर भूमिका एकाकित्व भाव कौन एकाकित्व भाव एकत्व भाव जो अच्छी ता वैदेशिक नीतिर गोटे कारक नुह जातीय चरित्र भौगोलिक स्थिति गणमाध्यमर भूमिका यह वैदेशिक नीतिर गोटे गोटे उपादान। ओके 1947 मसीहा पूर्वर भारत एक किभली राष्ट्र थिला 1947 पूर्वर भारत किभली राष्ट्र थिला अर्ध स्वाधीन स्वाधीन बफर राष्ट्र संघराष्ट्र कौन अर्ध स्वाधीन राष्ट्र थिला 1914 और 1939 मसीहा रे संगठित दुई विश्वयुद्ध समय रे क्यों राष्ट्र भारतर एक युद्धर अंश बोली घोषणा करथिला 1914 ओ 1939 मसीहारे संगठित दुई विश्वयुद्ध समय रे क्यों राष्ट्र भारत एक युद्धर अंश बोली घोषणा करथिला किए करथिला युक्तराष्ट्र अमेरिका फ्रांस इंग्लैंड जर्मनी किए इंग्लैंड इंग्लैंड ए युक्तिटी घोषणा करथिला कौन घोषणा करथिला यह बहुत इम्पोर्टेंट मन रखिथिबो। नेक्स्ट प्रश्न जवाहरलाल नेहरू भारत वैदेशिक नीतिर मौलिक रूपरेख विषय केबे सूचना देथिले 1946 सेप्टेम्बर 2 रे क्यों राष्ट्र स्वर्गत विजु पटनायक को भूमिपुत्र उपाधि दे सम्मानित करथिला क्यों राष्ट्र विजु पटनायक को भूमिपुत्र ओके उपाधि देथिला क्यों राष्ट्र इंडोनेशिया इंडोनेशिया होची सठिक आंसर। नेक्स्ट साम्राज्यवादर विलोप पर कौन आविर्भूत हैला कौन हबा
नूतन साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद विलोप पर नूतन साम्राज्यवाद आविर्भूत हैला। अच्छा पिला मने सबु एमसीक्यू भलो भाबरे देखिले तो तुमरो केते स्कोर हैला आज 50 रु केते स्कोर हेछि तुमे केते करि पाइछो ता कमेंट निश्चित भाबरे लेखि कि जणैबो। ओके एवं आज जो आम प्रैक्टिस सेट कले एथिरे बहुत नुआ प्रश्न गुड़िक अच्छी तुम बहुत गुड़े आर्टिकल अच्छी जहाँकि बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ दुई तीन थर रिपीट कर बोले जहाँ फल तुम मनस्थ हो। ओके बर्तमान चल देखा ख विभाग प्रश्न गुड़िक कौन कौन आसी पारे। देख एथिरे केतोटी प्रश्न टोटल तुमको 9 प्रश्न करने पड़ो दुई मार्किया 9 प्रश्न तुमको करने पड़ो। भूमिपुत्र तत्व कौन क्यों आंदोलन पुरुष केंद्रिक समाज विरोध करे नर्मदा आंदोलन नेतृत्व किए नहीं आहरी अनेक प्रश्न अच्छे गोटे प्रश्नर ढांचा किभली आसी पारे ताहा तुम्हें देखनी भारत चीन संधि 1993 कौन यह बहुत इम्पोर्टेंट पिले। ओके तुम्हें सब प्रश्न गुड़िक भल भाव देखने करने चेष्टा कर सांप्रदायिकता बाद जाति प्रथार राजनीतिकरण यही प्रश्न गुड़ाक भल भाव देख करने चेष्टा कर जहाँफल कि तुम आगामी परीक्षा 100 रु 100 मार्क्स आने सक्षम हो पार अर्थात निश्चित भाव तुम 90% एबव आई चेष्टा कर तुम चेष्टा द्वारा ही सब संभव हम एवं ग विभाग प्रश्न गुड़िक देख देख भारत सह पाकिस्तान संपर्क बहुत इम्पोर्टेंट पिले यह आसवर संभावना अच्छे जाति गठन गोटे बहुत इम्पोर्टेंट सांप्रदायिकता बाद ये जो प्रश्न गुड़िक सेट्रे अच्छे सब ही बहुत इम्पोर्टेंट जो 9 प्रश्न अच्छी ताते गुरुत्वपूर्ण नुह कि भारत सह पाकिस्तान संपर्क जाति गठन विभिन्न उपादान सांप्रदायिकता बाद ओडिशा परिवेश आंदोलन एक चित्र प्रदान कर ये चारोटी भल भाव देखि थो मत तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग निश्चित भाव ये प्रश्न गुड़िक मधर आसब। ओके प्रश्न गुड़क भल भाव देखने गत वर्ष तुम ग्राम पंचायत आसी प्रश्न तो ए बर्ष पौर परिषद गठन कार्यवल आसवि लगुच पौर परिषद गठन कार्यवल तुम्हें देखि थो। ओके पाने भल भाव पाठ पढ़ परीक्षा बहुत कम समय रहा ठीक अच्छे वीडियो देखि तुमको अशेष अशेष धन्यवाद जदि भल लगी लाइक टेदेव जो मैंने यपर्तंत चैनल टी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनेब और निज सांग सहित सेयार करेब। ओके आजपाई एति रही धन्यवाद जय माता दी।